कहते हैं सपने अगर दिल से देखे जाएं तो उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक करने में भी गुरेज नहीं होता, लेकिन कभी कभी कुछ सपने सिर्फ हालातों के चलते पूरे होते होते अधूरे रह जाते हैं। ऐसी ही कुछ कहानी है बोकारो के बेटे राहुल कुमार की, जिन्होंने कबड्डी के खेल में अपने आगे आए सभी चुनौतियों को तो पटखनी दे दी, लेकिन जिंदगी के खेल में उनके ये दाव काम ना आए। बोकारो के सेक्टर 9 में रहने वाले 4 बार जूनियर नेशनल चैंपियनशिप तथा स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड सिल्वर बाउंस मेडल से सम्मानित कबड्डी प्लेयर राहुल कुमार सीने में धधकते ख्वाहिशों को छोड़ धधकते अंगारों पर लिट्टी सेकने को मजबूर हैं। लिट्टी की ये दुकान उनके माता पिता चलाते थे, मगर उम्र के साथ वो बीमार रहने लगे। ऐसे में परिवार का गुजारा चलाने के लिए राहुल लिट्टी चोखा बेचने को मजबूर हैं। गरीबी और सरकार से वाजिब सहयोग न मिल पाने के कारण खेल प्रतिभाओं का क्या हश्र होता है, राहुल इसका सटीक उदाहरण है। राहुल की मां रुवासी आवाज में कहती हैं कि उन्होंने गरीबी से तंग आकर अपने बेटे को खेल छोड़ने को कह दिया, क्योंकि खेलने से पेट नहीं भरता। जाहिर है कि जब परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट हो तो मजबूरन सपनों की कुर्बानी देनी ही पड़ती है, लेकिन अब भी राहुल को ये उम्मीद है कि सरकार उसकी कोई मदद करेगी और वो अपना सपना पूरा कर पाएंगे। नेशनल तक खेले हैं और जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर से लेकर नेशनल तक खेले हैं, और उसमें डिस्ट्रिक्ट स्टेट में मेडल भी हमारा नेशनल पार्टिसिपेट किया और अच्छा प्रदर्शन किया हमने। कबड्डी में कुछ आगे तक करना चाह रहे थे, लेकिन मजबूरी बस मुझे आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गया, घर का भी स्थिति बहुत ख़राब हो गया, जिसकी वजह से हम बीच में ही अभी 2 साल से प्रैक्टिस छोड़े हुए हैं। किसी तरह से अगर मदद और सहायता मिल जाता तो हम इस गेम को आगे तक ले जाते। क्या है मजबूरी? मजबूरी आर्थिक स्थिति है, हमारे घर की दैनीय स्थिति बहुत ख़राब है, खाने का मोहताज है। खेल के बावजूद भी हमको कुछ तरह का सहायता नहीं मिल पा रहा है। सरकार से हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि हमको किसी भी विभाग में किसी भी पोस्ट पे, मजबूरी आर्थिक स्थिति हमारा बहुत ख़राब होती जा रही है, जिसके कारण हमको इस कदम उठाना पड़ रहा है। स्थानीय लोग कुछ मदद किए थे, लेकिन कोई भी आला अधिकारी अभी तक हमें देखने नहीं आए हैं, जिस वजह से हमको काफ़ी परेशानी हो रहा है। किस तरह का मदद आप चाहते हैं? सर, हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमको कुछ मदद मिल जाए, जिससे हम अपना गेम बना के रखें और अपना स्थिति भी सही करके रखें, घर की भी स्थिति सही हो जाए हमसे, यही हम उम्मीद कर रहे हैं। देश और राज्य का नाम ऊंचा हो जाए मेरे से इस गेम के द्वारा। अगर हमको किसी भी तरह का मदद मिलते जाए तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे और अपना राज्य के साथ साथ देश का भी नाम जो है ना देनी है जरूर। और इसी के कारण से वो रुक गया तब किसी तरह से कोई तरह से मदद नहीं मिला, और कोई मेरा यहाँ साथी संगत नहीं है, और इस जगह पर हम बच्चा कैसे पढ़ाया, हम लिट्टी बेच कर कर करके पढ़ाते थे, गोवा भेजे अथी नेपाल भेजे, उसके बाद इसको हम बोले कि अब खेलने से पेट भरेगा नहीं, तुम लोग थोड़ा बड़ा है तो आप चलो अपना काम कीजिए और इसी तरह रहिए और छोड़ दो ये सब खेल तेल। हम डांटे उठते हैं उसके गुस्सा से खेल छोड़ा है, लेकिन कुछ भी उसको सरकार तरफ से भी नहीं मिल रहा, अन्य नौकरी चाकरी हो रहा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।